छिंदवाड़ा में गौ तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां गौ तस्कर एम्बुलेंस से गायों की तस्करी कर रहे थे, जिसकी सूचना बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिली और कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से गौ तस्करी करने वाली एम्बुलेंस को पकड़ा। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है। छिंदवाड़ा के परासिया थाने के अंतर्गत बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से गौ तस्करी करने वाली एम्बुलेंस को जब्त कर लिया। बता दें कि मुखबिरों की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से एम्बुलेंस को धर दबोचा, जिसमें दो तस्कर मौजूद थे। आरोपियों में एक चकमा देकर भाग निकला, पर एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। वहीं पुलिस को एम्बुलेंस में एक तलवार, गोबर और रस्सी समेत गौ तस्करी करने के कई साक्ष्य मिले हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कल रात 3 बजे कुछ कार्यकर्ताओं का रेनीखेड़ा से फोन आया कि यहाँ से एक एम्बुलेंस में गौवंश भर करके परासिया की ओर आ रही है। तो हम लोगों ने उसी समय कुछ हमारे जो साथ में लड़के लोग थे उन लोगों को इकट्ठा किया हमने रात में, और हम लोगों ने एम्बुलेंस के लिए यहाँ न्यूटन में खड़े रहे। उसके बाद में ये खबर उन लोगों तक पहुंच गई कि आगे कुछ लड़के लोग खड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने एम्बुलेंस से जानवरों को उतार कर नीचे फेंक दिया गया और एम्बुलेंस खाली कर करके इधर स्पीड से परासिया की ओर आने लगे। उसी समय हम लोगों ने उस एम्बुलेंस को एम्बुलेंस की सूचना पुलिस थाने में दी, पुलिस को सूचना दी और उस एम्बुलेंस का पीछा करते हुए हम लोग बाईपास आए। बाईपास में बंटी भैया के घर के पीछे हम लोगों ने गाड़ी एम्बुलेंस डाला और वहाँ पर छोड़ करके दोनों आरोपी भाग गए, जिसमें से कि एक आरोपी पकड़कर हम लोगों ने पुलिस को दिया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।